सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है प्राइम शतक का। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के राजस्थान में प्रवेश करने को लेकर सचिन पायलट ने दिया यह वीडियो संदेश। साफ स्वच्छ और सुंदर दिल्ली के लिए करें मतदान, अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया का संदेश। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने परिवार के साथ किया मतदान, कहा काम रोकने वालों को न दे वोट। केरल हाईकोर्ट में पहली बार यूट्यूब पर हुई सुनवाई की लाइव स्ट्रीमिंग, सबरीमाला से जुड़ा था मामला। यह भारत की ताकत, विश्व पटल पर देश की आवाज को गंभीरता से सुना जाता है, बोले लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला। सीएम शिंदे ने किया दिव्यांग विभाग के गठन का ऐलान, ऐसा करने वाला पहला राज्य बना महाराष्ट्र। शुभेंदु के गढ़ में अभिषेक भाजपा पर कसा तंज, बोले टीएमसी ने दरवाजे खोले तो भाजपा होगी साफ। भाजपा ने दिया ममता के खिलाफ खेला होबेगा नारा, का अगले चुनाव में दोनों तरफ से होगा खेल। बेंगलुरु में हिम्मत मेडिकल के पास 30 वर्षीय शख्स की हत्या, 6 लोगों ने मिलकर दिया अंजाम। परीक्षा से जरूरी नहीं कि कानून के लिहाज से उपयुक्त छात्रों का चयन हो, बोले सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़। आपके लूट तंत्र के खिलाफ लोकतंत्र की आवाज है भारत जोड़ो यात्रा, राहुल गांधी पर सरकार पर हमला। संसद के शीतकालीन सत्र के लिए कांग्रेस ने तैयार की रणनीति, नेता विपक्ष बने रहेंगे खड़गे। पति को धीमा जहर देकर मारा, प्रॉपर्टी के लिए प्रेमी के साथ रची साजिश, सास की मौत भी ऐसे ही हुई थी। एमपी में भारत जोड़ो यात्रा का आखिरी दिन, राहुल ने रास्ते में महिलाओं से बातचीत की, शाम को राजस्थान में प्रवेश करेगी यात्रा। जजों की नियुक्ति मामले पर बोले धनकर, एनजीएसी एक्ट सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया, संसद में इस पर चर्चा नहीं हुई, यह गंभीर मामला। गाजियाबाद में रेप के बाद हुई हत्या, बच्ची की दरिंदे ने शरीर को नोचा, प्राइवेट पार्ट में भी चोट लगी। सीएम योगी ने सुनी 300 लोगों की फरियाद, बोले हर बात की कही बात कहना उचित नहीं, अधिकारी खुद तय करे अपनी जिम्मेदारी। सत्ता के बिना बेचैन है अखिलेश यादव, प्रयागराज में डिप्टी सीएम केशव मौर्य, बोली मैनपुरी और रामपुर में खेलेगा कमल। नाबालिग के साथ गैंगरेप के बाद हत्या, मथुरा पुलिस ने 2 आरोपी किए गिरफ्तार, आरोपियों ने किशोरी की दुपट्टे से गला घोटकर की थी हत्या।
पाकिस्तानी हैकर्स के निशाने पर राज्य मंत्री सुनील भराला, भाजपा नेता का सोशल मीडिया अकाउंट हैक, पुलिस जांच में जुटी। अयोध्या में मजदूरों से भरी ऑटो ट्राली से टकराई, हादसे में एक की मौत, पांच घायल, तारू क्षेत्र की घटना। सीतापुर में स्वास्थ्यकर्मियों का डांस, नौकरी पक्की होने पर सीएससी में स्वास्थ्यकर्मियों ने मनाया जश्न। मुरादाबाद में चार घंटे बंद रहेगा कपूर कंपनी पुल, रेलवे इंजीनियर कर रहे निरीक्षण, 3 लाख की आबादी होगी प्रभावित। वरमाला पहनाते ही दुल्हन की मौत, दिन में भी ब्लड प्रेशर लो हुआ था, रात में स्टेज पर चक्कर खाकर गिरी। किसान आराम से करें खेती, डीएपी की नहीं दिक्कत, सहकारी समिति के अलावा खाद आम दुकानों पर 1350 रुपए में खाद है उपलब्ध। शाहजहांपुर से कंप्लेटलेट्स मामले में शासन को दी जाएगी रिपोर्ट, 10 अस्पतालों ने डेंगू के मरीजों की रिपोर्ट सीएमओ को सौंपी। इटावा में विद्युत कर्मियों का धरना समाप्त, करीब 1.5 करोड़ के बिल नहीं हुए जमा। प्रयागराज में रिश्वत लेते पीपी सीएम का वीडियो वायरल, सीएम में बोली जांच के बाद होगी कार्रवाई, कई बार हो चुकी है आशा से वसूली की शिकायत। महोबा में सड़क पर वैन बनी आग का गोला, ड्राइवर ने कूद कर बचाई अपनी जान, शॉर्ट सर्किट से आग लगने की अंदेशा। बलिया की सातवा नगर पंचायत के वार्ड 12 का हाल, जगह जगह पर पसरा कूड़ा, लोगों ने कहा सड़कों की स्थिति खराब। मामूली विवाद में 3 लोगों पर चढ़ाई कार, लखनऊ में एक युवक की मौत, 2 घायल, चाय पीते समय हुई थी कहा सुनी। आजमगढ़ में युवक के शव की हुई पहचान, पिता ने दर्ज कराए बेटे के दोस्त पर मुकदमा, जांच में जुटी पुलिस। पीलीभीत में विवेचना में मनमानी दरोगा को पड़ी भारी, किए गए सस्पेंड, एसपी की कार्रवाई से पुलिस महकमे में हड़कंप। बेसिक खेल प्रतियोगिता का पलिया बना चैंपियन निघासन व मितौली उपविजेता, बच्चों व टीम पर खूब बरसे पुरस्कार। रायबरेली में ट्रेन की चपेट में आने से बुजुर्ग की मौत, पुलिस जांच में जुटी, अभी तक नहीं हो सकी पहचान। राज ने संभाला अयोध्या एसएसपी का कार्यभार, बोले शहर की सुरक्षा, जन सुनवाई कर जनता को संतुष्ट करना पहली प्राथमिकता। गाजियाबाद में एक रात में 6 गाड़ियों के एसीएम चोरी, कार से आए थे चोर, हथौड़े से शीशा तोड़कर 1.5 मिनट में पार चुराया। एफआईआर दर्ज कराने पर इलाज का समझौता, खाकी ने दामन पर दाग बचाने पर बोला कदम छूट, नाबालिग का एक और पैर कटा। दहेज पीड़िता की कब्र की शुरू हुई खुदाई, मेरठ में लाचार पिता ने पति ससुरालियों पर लगाया था बेटी के हत्या का आरोप। मैनपुरी में पुलिस से बचने को तालाब में कूदा युवक, मदद के लिए चिल्लाता रहा, लोग वीडियो बनाते रहे।
हरगंज चौकी क्षेत्र में चोरों का आतंक जारी। चोरों ने एक घर में बड़ी चोरी की घटना को अंजाम देकर हुए फरार। रायबरेली भीषण सड़क हादसे में दो लोग गंभीर रूप से घायल। मौके पर भारी पुलिस फोर्स मौजूद रही। रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी ने किया शिकायती ट्वीट। चुनाव प्रचार थमने के बाद लगाए जनसभा करने का आरोप। संभल में ग्राम प्रधान की दबंगई आई सामने। राशन डीलर के प्रस्ताव की जांच पड़ताल करने पहुंची टीम पर किया गया पथराव। लखनऊ के काकोरी गोलीकांड में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पुलिस ने मुख्य आरोपी शिवा उर्फ शमशेर यादव को दबोचा। उत्तराखंड में संवेदनाओं के हदे पार। नशे में डॉक्टर ने कराई डिलीवरी। बच्चे की मौत। नवजात के शरीर पर मिले कटे के निशान। उत्तराखंड में युवक की मौत के 27 दिन बाद प्रेमिका के घर पर के मृतक के पिता ने लगाए ऐसे आरोप। सुनकर प्यार से उठ जाएगा भरोसा। उत्तराखंड के राजकीय इंटर कॉलेज में अचानक रोने और चीखने लगी छात्राएं। रहस्यमयी ढंग से हुई बेहोश। हड़कंप मच गया। केदारनाथ हाईवे सुरंग से जुड़ेगा बद्रीनाथ राजमार्ग। काम शुरू। चारधाम यात्रियों को जाम से मिलेगा छुटकारा। उत्तराखंड में पिता पुत्री के पवित्र रिश्ते का कत्ल। 10 वर्षीय बेटी से की थी हैवानियत। अब सलाखों के पीछे बीतेंगे 20 साल। उत्तराखंड में उच्च शिक्षा तस्वीर संवारने के लिए धामी सरकार के पहल। कॉलेजों में चलेगी वर्चुअल लैब। छात्र बनेंगे उद्यमी। उत्तराखंड में महिला नीति का प्रारंभिक ड्राफ्ट तैयार। महिलाओं के सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक उन्नयन पर विशेष जोर। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियों जोरों पर। राज्य में बढ़ेगी भाजपा की मंडल इकाइयां। उत्तराखंड के देहरादून में झगड़े में घायल युवक के अस्पताल में मौत के बाद स्वजनों का बवाल। आरोपित गिरफ्तार। चौकी प्रभारी निलंबित। उत्तराखंड में नदी नालों के साथ नलों के जमने से पानी का संकट। -5 डिग्री भी संवर रही है बदर्शीपुर। उत्तराखंड में सिरफरे ने अपनी शादीशुदा प्रेमिका पर सरिये से किया हमला। खुद पुलिस को किया सूचित। मौके से फरार। उत्तराखंड में नए साल से बंद होगा कोविड टीकाकरण। केंद्र सरकार ने भी वैक्सीन भेजने की बंद। दिव्यांगों की सीएम धामी की बड़ी सौगात। पुरस्कार राशि बढ़ाई। कृत्रिम अंगों पर दोगुना अनुदान। उत्तराखंड में स्कूल के बाहर बवाल। युवकों और किशोरों के बीच विवाद। एक पर धारदार हथियार से हमला। उत्तराखंड में दरिंदों ने विपक्ष महिला का उठाया फायदा। अपहरण कर सामूहिक दुष्कर्म किया फिर वापस छोड़ हुए फरार। लंदन में मीट परोसने वाले रेस्टोरेंट में हंगामा। स्टाफ ने एनिमल लवर्स को उठाकर बाहर फेंका।
अपनों को भी कनाडा में नौकरी दिला पाएंगे भारतीय इमिग्रेशन पॉलिसी में बदलाव, 2 लाख विदेशियों का होगा फायदा। G20 भारत के G20 अध्यक्षता पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा उम्मीद है शांति और एकजुटता के लिए काम करेंगे पीएम मोदी। युद्ध में यूक्रेन हारा तो यूरोप से लेकर अमेरिका तक महसूस होंगे झटके, रूस का बढ़ेगा दबदबा। जोम का फरमान, नाम बदले देशवासी, बच्चों के नाम सुंदर या कोमल रखने के बजाय बंदूक या बम रखें। बाइडेन सरकार पर आरोप, भारतीयों को दे रहे स्पेशल ट्रीटमेंट, मिनिस्ट्री मीडिया के लिए भारत से जुड़े मुद्दे प्रमुख। कश्मीर फाइल्स विवाद पर इजराइल राजदूत को धमकी मिली, कहा तुरंत भारत छोड़ो, हिटलर महान था जो तुम जैसों को जला दिया। यूक्रेन जैसा समर्थन म्यांमार को नहीं, सेना ने 7 छात्रों को सुनाई मौत की सजा, लोकतंत्र समर्थक दुनिया से मदद मांग रहे हैं। यूएस ने पाकिस्तान चीन को धार्मिक स्वतंत्रता के लिए खतरा बताया, 11 देशों की लिस्ट जारी की, इसमें रूस भी शामिल। कर्ज के जाल में बुरा फंसा पाकिस्तान, 1 साल में चुकाने होंगे 2 लाख करोड़ रुपए की, वित्त मंत्री बोले आईएमएफ के सामने नहीं गिड़गिड़ाएंगे। सड़क पर देखा हाई वोल्टेज ड्रामा, मॉर्गन स्टेनली के वीपी ने फिल्म स्टाइल में लुटेरे को पकड़ा, तब तक पीछा किया जब तक वो गिरा नहीं। ओयो में दूसरी बार छटनी, 3,700 में से 600 एम्प्लॉयज को निकालेगी ओयो, 250 नए लोगों को हायर भी करेगी कंपनी। शीर्ष 10 में से 8 कंपनियों की मार्केट कैंप 1.15 करोड़ बढ़ी, रिलायंस टॉप पर कायम। रेल मंत्री के 42 सीईओ के साथ बैठक, चीन से आयातित सामान पर नजर रखने के लिए 5 टास्क फोर्स। एसबीआई ने इंफ्रा बॉन्ड जारी कर 10,000 करोड़ रुपए जुटाए, चुनावी बॉन्ड जारी करने में भी मिली मंजूरी। इंडोनेशियाई सुपारी की तस्करी मामले में ईडी का छापा, 16 लाख रुपए नकद बरामद। आयोग के सीईओ परमेश्वर अय्यर का बयान, बोले खाद्य प्रसंस्करण अव्यवस्था व रोजगार के लिए महत्वपूर्ण। दोस्त मोदी की हर मदद को तैयार, G20 अध्यक्षता पर बोले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन। बाइडेन ट्रंप की लड़ाई में कूदे मस्क, ट्विटर पर बताई बाइडेन के बेटे की लैपटॉप कंट्रोवर्सी दबाने की कहानी। अमेजॉन के ट्विटर पर दोबारा एडवर्टाइजिंग शुरू करने की योजना, $10 करोड़ के विज्ञापन सालाना देगी। क्वार्टर फाइनल में पहुंचा नीदरलैंड, राउंड ऑफ 16 में अमेरिका को हराए, डेनियल डंफ्रीज रहे जीत के नायक। अनीश थोपनानी ने बैडमिंटन एशिया में जीता सिल्वर, उन्नति अंडर-17 सिंगल्स के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी।
अश्विन को पछाड़, नाथन लॉय ने रचा इतिहास। अश्विन को पछाड़ कर टेस्ट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले आठवें बॉलर बने। शावकी के जाल में फंसे विराट कोहली, लीटन दास ने हवा में उछलकर पकड़ा खतरनाक कैच। ग्रेम स्मिथ ने वनडे वर्ल्ड कप 2011 में भारत साउथ अफ्रीका मैच को किया याद, कहा सचिन और सहवाग उस दिन कमाल की बल्लेबाजी की थी। अर्जेंटीना 10वीं बार क्वार्टर फाइनल में पहुंचा, ऑस्ट्रेलिया को 2-1 से हराया। 1000वें मैच में मेसी का गोल। बैडमिंटन स्टार लक्ष्य सेन और कोच पर धोखाधड़ी का केस, टूर्नामेंट के लिए उम्र में हेराफेरी का आरोप। ब्राजील के दिग्गज फुटबॉलर पेले की हालत गंभीर, साओ पाउलो के हॉस्पिटल में इलाज जारी। दीपक चाहर का समान विमान से गायब, मलेशियन एयरलाइंस की बदतमीज इंतजामी पर भड़के ऑलराउंडर। बाबर आजम का 8वां टेस्ट शतक, पाकिस्तान ने पहली पारी में बनाए विकेट पर 499 रन, इंग्लैंड में 158 रन से आगे। माधुरी दीक्षित ने मेरा दिल ये पुकारे पर किया डांस, डांस स्टेप्स कॉपी करने पर यूजर्स ने किया ट्रोल, बोले आपसे ये उम्मीद नहीं थी। मूवी इन विद मलाइका का प्रोमो रिलीज हुआ, अरबाज से जुड़े फैसले को याद कर भावुक हुई मलाइका अरोड़ा। अजय को भोला के सेट पर देख पीछे भागी भीड़, वीडियो शेयर कर फैंस को कहा शुक्रिया, दी हेलमेट पहनने की सलाह। पुराने दिनों को याद करते हुए रो पड़े आमिर खान, बोले अब्बा ने ब्याज पर लिया था कर्जा, माँ हमेशा लंबे पैंट खरीदती थी ताकि ज्यादा दिन तक चल सके। आरआर की सफलता पर राजा मौली के पिता का रिएक्शन, कहा बहुत खुश हूँ, मुझे उम्मीद है हमारे युवा हमें प्राउड फील कराएंगे। बेटे को छोड़कर रेड सी फिल्म फेस्टिवल पहुंची सोनम, कहा बहुत नर्वस हूँ, वो मेरी माम और बहन के पास है। किसी का भाई किसी की जान के शूटिंग खत्म, सलमान खान ने शेयर की फोटो, फैंस बोली बॉलीवुड का असली किंग वापस आ गया। एक्ट्रेस हंसिका ने शादी में मंगेतर के साथ किया डांस, व्हाइट विंटेज कार में पहुंची पोलो ग्राउंड, जयपुर के मुंडोता फोर्ट में लेंगी फेरी। आतिया से शादी करेंगे राहुल, बीसीसीआई ने केएल को दी पर्सनल लीव, 2023 की शुरुआत में हो सकती है शादी। केआरके ने करण जौहर पर दिया कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट, कहा ब्रह्मास्त्र का कलेक्शन के देख सुसाइड करने वाले थे करण। शतक में बस इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।